2019 में एरोमेटिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन और आया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या रिएक्शन है, फिनॉल है और इधर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है SO3H पैरा पर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, और ये इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका हमने करवाया ब्रोमिनेशन और वो भी एक्सेस में लिया है ब्रोमीन को, ठीक है ना, केवल फिनॉल होता है तो तीन पर ब्रोमो आ जाता है और 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है ब्रोमीन एक्सेस में लेने पर, ऑप्शंस ये हैं देख लो, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या फिर ये वाला जिसमें यहाँ पर एक ब्रोमो लग जाए OH के ऑर्थो पर और SO3H जैसे वैसे पड़ा रहे, या फिर ये इन्होंने देखो ऐसे किया 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या फिर 2 और 6 पे डाई ब्रोमो लगाया लेकिन सल्फोनिक एसिड ग्रुप जैसे वैसे पड़ा हुआ है। इसके लिए इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है एक सब्स्टिट्यूशन जिसका नाम है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, हमारे कोर्स में नहीं होता लेकिन वो यूज बहुत होता है, तो जरा उसके बारे में पहले आपको सिखाता हूं मैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये किसी प्री ऑक्युपाइड पोजिशन पर, मान लो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, अच्छा इप्सो कोई रेयर फेनोमेनन नहीं है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन से जो लिटरेचर है ना वो पटा हुआ पड़ा है, खूब सारे एग्जांपल्स इसके होते हैं, मान लो यहाँ हमने कोई ग्रुप लगा रखा है और एक नया इलेक्ट्रोफाइल आता है, अब ये नया इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप की नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पर आ सकता है या मेटा पर आ सकता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नया इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पर एक जी लगा हुआ था, ऐसे देख लो, ये देखें आप, ये ऐसे आ जाए कि भाई जी हाँ इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर आ जाए, यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए ऐसे, ठीक है ना, और बाद में फिर इसी जी को बाहर कर दें, इसका इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा और ये खुद बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा भाई, ये जो ग्रुप था ये प्लस के रूप में बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन पीछे दे गया ताकि एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी पूरी हो सके और इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं सब्स्टिट्यूट हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, प्री ऑक्युपाइड पोजिशन पर अटैक, बात समझ आ रही, जो ग्रुप नए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देने वाला था कि भाई तुम ऑर्थो पे आओगे, पैरा पे आओगे या मेटा पर आओगे, वो खुद ही सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन से लिटरेचर बिल्कुल अटा हुआ है, कोई ये कोई रेयर फेनोमेनन नहीं है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सल्फोनेशन का डिसल्फोनेशन हो जाता है, वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें जरा देखें इप्सो की एक खास बात क्या होती है कि अगर मान लो फिनॉल की रिंग है या कोई ऐसी रिंग जिस पर बहुत ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स लगे हों, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई एसिडिक ग्रुप लगा हो तो वो इप्सो से निकल जाता है, मतलब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो वो इसको निकाल देगा एसिडिक ग्रुप को, COH लगा हो उसको भी निकाल देगा, SO3H लगा हो उसको भी निकाल देगा, मैं फिर से बोलता हूँ, फिनॉल रिंग के ऊपर या ऐसी रिंग जिस पर एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हो जैसे फिनॉल हो NH2 हो उसके ऊपर एसिडिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो इप्सो के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इप्सो के थ्रू, यानी नया इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है और क्योंकि आपने Br2 को एक्सेस में लिया हुआ है, ठीक है ना, तो ऑर्थो और ऑर्थो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डेंस है ही और ये भी इप्सो से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और तब ये बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, यहां पर आकर रिएक्शन रुकेगी, बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही बात, ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन का केस है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूं, किसी प्री ऑक्युपाइड पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, जनरली ऐसा होता है कि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से एक ग्रुप अगर यहां प्रेजेंट है तो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसका होता है, ये इसको ऑर्थो पर लाता है, पैरा पर लाता है या मेटा पर लाता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पर पुराना ग्रुप जुड़ा हुआ था और उसे ही उड़ा दे, इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, बात समझ में आ रही, इप्सो सब्स्टिट्यूशन से लिटरेचर एकदम
पटा हुआ है, डीसल्फोनेशन इसका एक एग्जांपल है, देख लें आप डीसल्फोनेशन क्या होता है इसमें, बोले SO3H लिया है आपने, जरा सा ये आप H3O+ डाल दें, बस बेंजीन बन जाती है। ये क्या है, ये इप्सो ही तो है, H+ जो नया इलेक्ट्रोफाइल आया उसने SO3H को उड़ा दिया, दिस इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। और डीसल्फोनेशन तो बेंजीन रिंग पर ही हो जाता था, अगर कोई ऐसी रिंग हो जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हो तो और आसानी से हो जाता है। तो डीसल्फोनेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस बेसिकली, ये इप्सो का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसको जरा सा नोट करें आप, हमारा आंसर इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए इज आवर आंसर नाउ, ठीक है।